पास भी बहुत सारे स्ट्रे डॉग हैं, तो उसमें से कुछ पप्पीज पता नहीं कैसे अचानक वो ख़त्म हो गए। तो जब मैं उनको दफना रही थी अपने हाथों से, तो उनकी जो फीलिंग है मैंने वहाँ फील किया, क्योंकि लोग उनको मारते थे, तो उनकी जो फीलिंग है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। और ये एक मैसेज है सारी सोसाइटी के लिए कि आप लोग भी इस बात को फॉलो कर पाएँ, कि ध्यान दीजिएगा कि कुछ वेदना हमारी भी है, हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम कोई और नहीं बल्कि निआश्रय भारतीय स्वान हैं, कि कुछ वेदना हमारी भी है, हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, हम कोई और नहीं बल्कि निआश्रय भारतीय स्वान हैं, कि हम इंसानों जैसे भाग्यशाली तो नहीं, क्योंकि हमारे एक रूटीन होता है लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, स्नैक्स टाइम, तो हम इंसानों जैसे भाग्यशाली तो नहीं कि समय पर भोजन पानी पा जाएं, कि हम इंसानों जैसे भाग्यशाली तो नहीं कि समय पर भोजन पानी पा जाएं, हम मांगते नहीं कुछ आपसे, एक रोटी और स्नेह की आशा रखते हैं, अगर नहीं दे सकते रोटी ना, क्योंकि इंसान ऐसा करता है, एक रोटी देता है बट बगल में अगर वो बैठा होगा तो लात मार देगा, डंडा मार देगा, कि हम मांगते नहीं कुछ आपसे, एक रोटी और स्नेह की आशा रखते हैं, और अगर नहीं दे सकते रोटी ना, कि अगर नहीं दे सकते रोटी का टुकड़ा तो बदले में पीड़ा क्यों देते हो, कि आप प्यार तो देकर देखो हमें, हम वफादारी सिखाकर जाएंगे, कि क्या होती है निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा। आप जब कभी रोटी या बिस्किट डाल देते होंगे तो आप देखना कि स्ट्रे डॉग्स की आईज में उनका इमोशन होता है, और जो उनकी पूंछ का हिलना होता है वो उनका एक्सप्रेस ऑफ लव का तरीका होता है। कि आप क्या होती है निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा, तुझे अपने एहसास से सिखाकर जाएंगे, कि ना मारो लाठी डंडे हमें, हमें भी पीड़ा का एहसास होता है, कि हम कोई और नहीं बल्कि निआश्रय भारतीय श्वान है, कि माना कि मैं कौरवों जैसा महान तो नहीं, लेकिन जीवन की महाभारत को हमने भी देखा है, तू हारा था किसी अपने को, अपने की ही महफिल में, द्रौपदी को हारे थे ना पांडव, तो तू हारा था किसी अपने को, अपने की ही महफिल में, मैंने अपने बाप की खुशियां, माँ के आंसुओं को रात की बेबसी में हारते देखा है, कि मैंने अपनी माँ की खुशियां और बाप की बेबसी को रात के अंधेरे में हारते देखा है, कि मैं पांडवों जैसा महान तो नहीं, जीवन की महाभारत को मैंने देखा है। थैंक यू।